शादियों में जो बेशुमार खर्चा होता है उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। आप पैसे वाले हैं भले ही वो बात अलग है, लेकिन शादियों में समाज की वजह से आज भी ना चाहते हुए दिखावे के चक्कर में अपना घर बार बेचकर शादी में ना जाने कितने लोग बेशुमार पैसा खर्च कर रहे होते हैं। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है, शायद आप इस खर्चे से अब आजाद हो जाएंगे, क्योंकि संसद में एक खास बिल पर चर्चा शुरू हुई है। ये बिल है क्या, इसके अंदर ऐसा क्या है जिससे आपको राहत मिलेगी, क्या आपको पैसा मिलने वाला है, आइए आपको अच्छे से समझाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ वन इंडिया। कई देशों में तो इतने भव्य तरीके से त्योहार भी नहीं मनाए जाते जितने खतरनाक और दिखावटी ढंग से भारत में शादियां होती हैं। देश में किसी सामान्य व्यक्ति जिसकी आय बहुत कम है उसके घर में भी अगर शादी होती है तो मानिए कि लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। वहीं जब ये शादी किसी अपर मिडिल क्लास फैमिली में होती है तो ये खर्च करोड़ों रुपए में जाता है। लेकिन अब शायद ऐसा ना हो पाए। लोकसभा में हाल ही में एक नया विधेयक पेश हुआ है जिसमें शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या और उसमें परोसे जाने वाले तरह तरह के व्यंजनों की एक लिमिट तय की जाएगी। इसके साथ ही दूल्हा दुल्हन को दिए जाने वाले जो महंगे तोहफे हैं उन पर भी लगाम लगाई जाएगी। बता दें, कुल मिलाकर ये बात है सामने कि अध्यादेश अगर पारित हो जाता है तो शादियों में होने वाला फिजूल खर्च उस पर रोक जो है लग सकती है। साथ ही साथ अब आपकी जेब कटने से बच सकती है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी शादियों में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए बिल पेश हुए। चलिए आपको बताते हैं ये बिल पहले कैसे थे, कितने अलग हैं, बिल में है क्या ये आपको बताएं, उससे पहले आप जानिए कि इस बिल का नाम क्या है। दरअसल इस बिल का नाम है विशेष अवसरों पर फिजूल खर्ची रोकथाम विधेयक 2020, क्योंकि ये बिल जनवरी 2020 में कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने पेश किया था। संसद में अब इसी बिल को चर्चा के लिए रखा गया है और इस बिल में प्रावधान है कि शादी में दूल्हा और दुल्हन दोनों की तरफ से 100 से ज्यादा मेहमान नहीं होने चाहिए। वहीं शादी में परोसे गए व्यंजनों की संख्या भी 10 से ज्यादा नहीं होगी, जो आप खाते हैं ना वो, जबकि दूल्हा दुल्हन को दिए जाने वाले गिफ्ट भी 2,500 रुपए से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर ये बिल अगर पास हो गया तो बहुत से परिवार उस खर्च के बोझ से बच जाएंगे जो उन्हें ना चाहते हुए भी समाज के चक्कर में करना पड़ता है। ये पहली बार नहीं है जब किसी सदन में शादी के फिजूल खर्च को लेकर बिल पेश हुआ हो। इससे पहले भी 11 बार अलग अलग नामों से ऐसा हो चुका है। सबसे पहले साल 1988 में सांसद सुरेश पचौरी ने राज्यसभा में ये बिल पेश किया था। इसके बाद साल 1996 में सरोज खपर्दे ने, और इसके बाद 2000 में गंगा सनेद्रा सिडप्पा बसवराज ने, 2005 में संबा शिव ने भी लोकसभा में ऐसा ही बिल पेश किया, 2005 में प्रेमा करियप्पा ने राज्यसभा में ऐसा बिल पेश किया। वहीं बात करें 2011 में तो सांसद पीजे कुरियन और फिर सांसद अखिलेश दास गुप्ता ने भी राज्यसभा में एक ऐसा ही बिल पेश किया था। वहीं 2011 में ही सांसद महेंद्र सिंह चौहान ने भी लोकसभा में ऐसा बिल पेश किया और ये सभी बिल लैप्स्ड हो गए। जबकि साल 2016 में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने संसद में द मैरिज बिल 2016 पेश किया था और अभी भी ये पेंडिंग है। इसके बाद साल 2017 में गोपाल चिन्यप्पा सेट्टी ने भी लोकसभा में ऐसा बिल पेश किया था और बिल को लोकसभा में जब पेश किया गया तो बता दें फिर लैप्स हो गया। खास बात यह रही कि इन सभी बिलों में मूल बात जो है, जो निचोड़ है, ये है कि कैसे शादी के फिजूल खर्च को कम किया जाएगा। तो निचोड़ यही है कि बार बार बिल पेश होते रहे, लैप्स होते रहे, लेकिन फिर कभी इनका बेड़ा पार नहीं लग पाया। अब भाई बेड़ा पार तो नहीं लग पाया, लेकिन इनका होगा क्या, किस तरह से बिल बार बार पारित होते रहेंगे, कैसे ये बिल जो है पारित होंगे या फिर नहीं, इस बारे में तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बार बार शादियों का बिल पेश होता है लेकिन लोग का मानने वाले हम और आप दोनों कभी मान पाएंगे इस चीज को, इस बारे में सोचना बेहद जरूरी है, क्योंकि शुरुआत हम ही से होगी। तो जल्द से जल्द इस बारे में जरूर सोचिए। अगर आप सोचते हैं कि शादियों में जो खर्चा होता है बेशुमार, उसे कम करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।